नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल और आप देख रहे हैं प्रहार। रोज की तरह आज भी हम उन मुद्दों पर करेंगे प्रहार जो सीधे तौर पर आपसे जुड़े हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के लंच में शामिल हुए यूपी से चुने हुए नए भाजपा सांसद। बैठक के दौरान सीएम ने सांसदों को मिशन 2022 में जुटने को कहा। विधानसभा चुनाव में 350 सीटें जीतने का रखा लक्ष्य। कांग्रेस में मंथन का दौर जारी। राहुल गांधी को मनाने में जुटे कांग्रेस के नेता। शीला दीक्षित समेत कई बड़े नेता राहुल के घर पहुंचे। बाराबंकी शराब कांड पर सपा ने ट्वीट से किया योगी सरकार पर वार। कानून व्यवस्था को लेकर घिरा। मुख्य आरोपी की हुई गिरफ्तारी। जी, आज का हमारा पहला प्रहार है कथनी और करनी में फर्क वाली सियासत पर। लोकसभा चुनावों में हार के बाद सभी दल अपने पार्टी नेताओं के साथ मंथन कर रहे हैं। कांग्रेस में भी मंथन चला। राहुल के इस्तीफे को लेकर उहापोह का दौर रहा। आखिरकार तय हुआ राहुल अध्यक्ष रहे। संगठन में फेरबदल अपने हिसाब से करते रहे, लेकिन सबसे अजीब स्थिति समाजवादी पार्टी की है। सपा 3 दिनों से आत्मचिंतन में जुटी है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से अखिलेश यादव मिल चुके हैं। पार्टी के संरक्षक और पिता मुलायम सिंह यादव से भी इस मसले पर उनकी बात हो चुकी है। सूत्रों की माने तो पिता मुलायम ने अखिलेश से दो टूक कह दिया है कि वो उन नेताओं से फौरन दूरी बना लें जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं। इन संकेतों में मुलायम किसने क्या कहना चाह रहे थे भले ही ये साफ न हो, लेकिन एक बात साफ है कि जनता के मुद्दे को छोड़कर सिर्फ जाति और सरकार की नकारात्मक आलोचना करने से काम नहीं चलने वाला। समाजवाद को लेकर दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते, ना ही समाजवाद की व्याख्या वक्त वक्त पर बदली जा सकती है। दरअसल मुलायम की ताकीद का मकसद जनता के मुद्दों से बढ़ती दूरी को लेकर है और सरकार के खिलाफ लगातार नकारात्मक प्रचार है। इसके अलावा अखिलेश यादव के करीबी नेताओं का जमीन से जुड़ाव ना होना भी मुलायम सिंह को लगातार अखरता रहा है। कई बार सार्वजनिक मंचों से वो इस बात को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। हालांकि अखिलेश हर बार पार्टी के संस्थापक मुलायम की बात को पिता और पुत्र के बीच की बात कहकर टाल रहे हैं। अखिलेश यादव क्या अपने करीबी नेताओं से दूर हो पाएंगे? समाजवाद की जिस धारा को लेकर मुलायम सिंह चले थे और लोहिया के जिन आदर्शों को अब तक जुमलों के तौर पर इस्तेमाल करते रहे हैं, क्या वो वाकई हकीकत की जमीन पर उतरेंगे? समाजवादी पार्टी का जो चेहरा अब तक परिवारवाद, जातिवाद और वंशवाद की सियासत से सना नजर आता था, वो चेहरा अखिलेश बदलने में कामयाब रहेंगे? अखिलेश इस हार से सबक सीखते हुए सियासत के नए मायने गढ़ेंगे या फिर आत्ममंथन सिर्फ सियासी रस्म अदायगी भर रह जाएगा? चंद दिनों बाद पार्टी में सब कुछ सामान्य हो जाएगा। जी हां, तो ये वो तमाम बातें हैं जो रह रहकर सवाल खड़े करती हैं। तो बहरहाल हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ विजय उपाध्याय जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। इसके अलावा दिनेश पाठक हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और शबनम पांडे भी हमारे साथ जुड़ेंगी, भारतीय जनता पार्टी की नेता है। और साथ ही साथ घनश्याम सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे, समाजवादी चिंतक है। और हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे लखनऊ से, उनसे भी हम बात करेंगे। दरअसल लखनऊ में आज एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। एक तरफ समाजवादी पार्टी की बात की हमने कि किस तरह से चिंतन का दौर चल रहा है, कांग्रेस की बात की हमने कि किस तरह से राहुल गांधी को मनाने का दौर चल रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नव नियुक्त सांसदों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने घर पर लंच पर बुलाया। यहां पर उनके साथ संगठन मंत्री सुनील बंसल और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र पांडे भी मौजूद थे। महेंद्रनाथ पांडे, यहां पर तमाम सांसदों से बातचीत हुई और साथ ही साथ उन तमाम सांसदों को यह भी कह दिया गया कि अब उन्हें मिशन 2022 में जुटना होगा। ठीक लंच के बाद पार्टी कार्यालय में गए तमाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्रियों को लेकर और संगठन के लोगों को लेकर, जहां पर क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। और इस बैठक में ये बात तय हुई कि मिशन
350 के पार। जी हां, विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति बनी और साथ ही साथ 12 उपचुनाव जो आने वाले वक्त में सरकार को जिन उपचुनावों का सामना करना पड़ना है उन चुनावों पर भी उसकी रणनीति पर भी चर्चा हुई। यानी एक तरफ मंथन का दौर और दूसरी तरफ अगली रणनीति पर चर्चा शुरू हो गई है। हमारे साथ अनुभव शुक्ला जुड़े हैं लखनऊ से, हमारे संवाददाता जिन्होंने आज पूरी नजर बना के रखी इस लंच पर भी और इसके बाद लंच के बाद जो क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई उस पर भी। अनुभव, आज का जो घटनाक्रम था, अखिलेश यादव 3 दिन तक लगातार मंथन करते रहे, नसीहत उनको मिली, उन्होंने तमाम बातें कही, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी ने अगला कदम उठा लिया है। जिस अगले कदम की बात मायावती और अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए की थी जो आखिरी चरण का मतदान था उसके बाद, लेकिन वो तो अभी अगला कदम दिख नहीं रहा है, लेकिन यहां अगला कदम उठा लिया गया है। देखिए बिल्कुल रोहित जी, जिस तरीके से जो ये जीत मिली है लोकसभा चुनाव में बीजेपी को, उसको लेकर जो सांसद नवनिर्वाचित चुने गए उनको सबसे पहले बुलाया और उनको लंच पे बुलाया अपने सरकारी आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उनका सभी का सम्मान किया, अभिनंदन किया और उसके बाद जो बात मुख्यमंत्री ने कही उन्होंने यही कहा कि देखिए अब आप लोग जीत कर आए हैं, आपकी जिम्मेदारी अब और बढ़ गई है खासतौर से संगठन को लेकर, और आप जहाँ जहाँ से जीत कर आए हैं वहाँ की जनता की उम्मीदों पर आपको खरा उतरना है और कोई भी ऐसी चीज़ ना हो कि जिससे कि सरकार की इमेज पर कोई दाग लगे, कोई धब्बा लगे। और जो बात आपने कही अखिलेश यादव की, देखिए आज अखिलेश यादव दिन भर उनका जो आवास है अंसल में वहाँ पर वो मौजूद रहे, आज वो पार्टी कार्यालय नहीं आए, हालांकि पिछले 3 दिनों से लगातार वो वहाँ जा रहे थे और सोमवार को तो एक बड़ी बैठक भी उन्होंने की थी, तमाम जो पूर्व कैबिनेट मंत्री उनकी सरकार में लोग थे उन सभी को बुलाया था, कई विधायकों को बुलाया था, उनके साथ ज़रूर समीक्षा की थी, पर आज वो अपने घर में ही रहे। और यहाँ एक तरफ देखिए बीजेपी जीत कर आई है लेकिन वो शांत नहीं बैठी, अब अगला जो मिशन है वो दे दिया गया है, जो क्षेत्रीय पदाधिकारी थे सभी को लखनऊ बुलाया गया, मुख्यमंत्री ने उनकी तारीफ की और ये कहा कि आप लोगों ने जिस तरीके से बूथ मैनेजमेंट किया उससे पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली है, लेकिन हमें अब शांत नहीं बैठ जाना है, हमारे सामने सबसे बड़ा लक्ष्य 2022 का है जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे, और उससे पहले जो बात अभी आपने कही कि 12 उपचुनाव होने, 11 तो वो सीटें हैं जहां पर विधायक जीतकर सांसद बने हैं और एक सीट जो अशोक चंदेल हमीरपुर के जो बीजेपी के विधायक हैं जो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं उनकी सदस्यता जब निरस्त होगी तो वो भी उसी के साथ चुनाव कराया जाएगा, तो अब अगला लक्ष्य जो है वो पार्टी ने तय कर दिया है। आप बीजेपी की तेजी देखिए कि अभी एक चुनाव वो जीत कर आए हैं और जीत कर आने के तुरंत बाद ही, यानी अभी शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है दिल्ली में, प्रधानमंत्री ने अभी शपथ नहीं ली है नरेंद्र मोदी ने, लेकिन उससे पहले एक बैठक कर ली मुख्यमंत्री ने और सबको टास्क भी दे दिया है। जी बिल्कुल, टास्क भी दे दिया है। अनुभव आप हमारे साथ बने रहिए, बिल्कुल हमारे साथ और खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, दिनेश पाठक जी से हम प्रतिक्रिया लेंगे। दिनेश जी क्या कुछ कहना है आपका, एक तरफ मंथन का दौर जारी है और दूसरी तरफ अगला कदम भी उठा लिया गया है, तो ये एक बड़ा अंतर दोनों की रणनीति में, तो अगर हम बात करें विपक्ष की और सत्ता पक्ष की बात करें और भारतीय जनता पार्टी की खासतौर पर, किस तरह से देखते हैं आप? रोहित जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में निश्चित तौर पर पहले से भी आगे रही है, लोकसभा चुनाव में भी रही है, विधानसभा चुनाव में रहेगी और इस बार भी आगे रहेगी, क्योंकि जब तक ये हार का मंथन करके कोई जिस्ट विपक्ष पूरा मिलके निकालेगा अपने अपनी पार्टियों का, तब तक ये 10 कदम आगे बढ़ चुके होंगे। 2022 केवल इसलिए महत्वपूर्ण इनके लिए नहीं है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होना, 2022 इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं और मोदी उसके लिए पहले से ही बहुत तेज तैयारियों में लगे हुए हैं कि 2022 में हम आज़ादी के 75वां साल मनाएंगे। 2022 उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, केंद्र सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वो केंद्र सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं, भारतीय जनता पार्टी की तो आप अच्छी बात कह सकते हो कि वो हरदम चुनाव के मोड में होते हैं। जी, अपना देश भी लोकतांत्रिक देश है तो यहाँ चुनाव की प्रक्रिया हरदम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में चल रही है, तो चुनावी मोड में उनकी तैयारियाँ तेज है क्योंकि उनके पास कार्यकर्ताओं का बेस बहुत अच्छा है। आज की तारीख में उनसे बड़ा कार्यकर्ताओं का बेस किसी के पास नहीं है, उनके जैसा संगठन किसी के पास नहीं है, तो वो निश्चित तौर पर अभी फिलहाल आगे हैं और इसमें अगर किसी भी पार्टी को कुछ करना है तो उसे अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना होगा, ज़मीन पर उतारना होगा, जनसंवाद करना होगा, लोगों से जुड़ना होगा, जो ही जिसकी कहीं ना कहीं कमी रह जा रही है, वो कांग्रेस में हो इवन सपा में, मुलायम सिंह साहब की सपा को अगर याद करिए और अखिलेश जी की सपा को याद करिए तो इन दोनों समाजवादी पार्टी में फ़र्क है,
मुलायम सिंह साहब सत्ता में होते तो तब भी और विपक्ष में होते तो तब भी वो अपने कार्यकर्ताओं को कभी बैठने नहीं देते थे। तो ये महत्वपूर्ण है। अगर आज योगी जी ने सांसदों को एक्टिव करने की कोशिश की, बुला लिया, कल शपथ है दिल्ली में और आज वो लखनऊ में बैठक कर रहे हैं, तो ये कोई साधारण बात नहीं है। ये उनके कमिटमेंट के लेवल को दर्शाता है कि वो अपने कमिटमेंट के लेवल को एक लेवल पर और आगे लेके जाना चाहते हैं। और बाकी पार्टियों को बुराई करना तो अच्छी बात है, राजनीतिक दलों को आपस में बुराई करनी चाहिए, लेकिन ये सीखने वाला पहलू है बाकी दलों को भी। भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन की व्यवस्था है उस पर सोचने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है, और कहीं से अच्छी चीज अगर कुछ सीखने को मिले तो इसमें कोई बुराई नहीं है। रोहित, बिल्कुल। विजय उपाध्याय जी, आपका क्या कहना है? जिस तरह से भी दिनेश पाठक जी ने बताया कि किस तरह से फॉरवर्ड प्लानिंग जो है भारतीय जनता पार्टी का, और अनुभव ने भी अभी पूरा जिक्र किया, आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि प्रदेश की सियासत में एक पार्टी ऐसी है जो 2022 की बात कर रही है, 2022 में 350 का लक्ष्य रख रही है, और दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो मंथन का दौर से जारी है, कोई इस्तीफे पर मान मुनव्वल का दौर जारी है, यानी जनता से संवाद कैसे हो इसके बजाय मान मुनव्वल, इस्तीफे मत दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए, इस पर मंथन हो रहा है। क्या कहना आपका, किस तरह से देखते हैं इस राजनीति के दौर को? बात तो वही है जो दिनेश जी ने कही है। जी, मैं आपके संजय जी आपके पास आएंगे, मैं विजय उपाध्याय जी से भी प्रतिक्रिया ली है। रोहित जी प्लीज, जी पहले विजय कांग्रेस की चर्चा अगर हो रही है तो मैं कांग्रेस सर आपसे आप बात कहना चाहता हूँ। आपसे सवाल लेंगे, आपसे सवाल लेंगे। कोई मान बेसब्र बहुत है, कोई मान मनोबल बहुत बेसब्र है कांग्रेस हमारे यहाँ। इतनी बेसब्री चुनाव में दिखाए होते तो शायद रिजल्ट और होता। जी जी विजय जी, आप अपनी बात पूरी करें जी, फिर संजय जी आपके पास आएंगे। केवल ये बहकाया गया है संजय जी आपके पास आते हैं। रुकिए, पहले विजय उपाध्याय जी की बात करते हैं। जनता खामियाजा भोगेगी आगे 5 साल में। आप रुक जाओ जी। विजय जी आप अपनी बात पूरी करें प्लीज। इनको ये मानेंगे नहीं, संजय मानेंगे। दरअसल देखिए, 2017 में जैसे ही विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए, 19 मार्च 2017 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 22 मार्च से इन्होंने मेरा घर बीजेपी का घर अभियान शुरू कर दिया। ये जो अमित शाह की केमिस्ट्री है ना, वो कुछ अलग है। प्रधानमंत्री ने शायद इसीलिए वाराणसी में कहा कि अर्थमेटिक से आगे केमिस्ट्री होती है, तो केमिस्ट्री क्रिएट करने में भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की टीम है। संजय जी रुकिए, आपकी बारी आएगी जब आप बोलिएगा। और अमेरिका में भी बना सकते हैं। संजय जी रुक जाइए, बहुत परेशान है, इनको कहीं आंसर करे राहुल गांधी को मौका देंगे अपनी बात रखने का। आप रुकिए, एक एक करके सबके प्रतिनिधि आंसर करना चाहिए जी प्लीज। जी जी, पहले विजय जी की बात सुन लीजिए, फिर आपके तो पास मेरा घर बीजेपी का घर जी प्लीज। बीजेपी ने मेरा घर भाजपा का घर अभियान शुरू किया, लगातार पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख, और यहाँ तक कि जो 2000 में पैदा हुए बच्चे 18 साल के पूरे हुए और 2019 में जिन्हें वोट करना था उनको मतदाता बनाने का ड्राइव भी शुरू किया भारतीय जनता पार्टी ने। और ये पहली बार कोई राजनीतिक दल इतना रुचि लेके और इस तरीके से कार्यक्रम लेके जनता के बीच संगठन का, आप देखिए आज दोपहर में अभिनंदन होता है इनके जो 64 MP जीत के आए हैं उनका, ये होता है मुख्यमंत्री के आवास में, और उसके बाद 3 बजे से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे बैठक होती है जिसमें मुख्यमंत्री होते हैं और ये 64 सांसद नहीं होते, लेकिन संगठन पूरा इनका होता है। और संगठन की बैठक में नए टारगेट तय कर दिए जाते हैं जिसमें 2022 भी है, जिसमें बाई इलेक्शन भी है, और इसके साथ पार्टी के जिन सीटों पे इनको हार मिली है उसकी समीक्षा, क्यों हार मिली, इनके बूथ से लेकर और पन्ना प्रमुख तक की सारी गतिविधियों पर इन्होंने। अरे संजय जी आपके पास आएंगे सर, नए दौर की राजनीति। रुक जाइए, रुक जाइए, वो करना क्या चाहते हैं इन बातों पर हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए। अरे साहब, ये जो चुनाव होना था ये हो गया, कहिए अनशन कर रही है ये, मुझे लगता है इनको अनशन पे बैठ जाना चाहिए। और जीतने की बात तो हटा दीजिए संजय जी, मेरे संजय जी, अच्छा संजय जी तो बोलने दीजिए संजय कृष्ण जी, किनको डरा के रखा हुआ है, अब क्यों डरा रहे हैं? वो जीतना चाहती है, जीत रही है लगातार। आप बताइए अपना, संजय जी चुप रहिए। पूरे भारतवर्ष की आजादी में उनका, विजय जी मैं आपको रोकता हूँ, इनको सुन लेते पहले, इनको सुन लेते हैं। विजय जी मैं आपको रोक लेता हूँ। संजय जी आप अपनी बात कह लीजिए, लेकिन हम कांग्रेस के लोगों ने बहुत से चुनाव लड़े हैं, हार और जीत दोनों देखी है, लेकिन इस तरह का हम लोगों ने हमारे कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कभी भी चुनाव के पहले ये नहीं बताया कि हम इतनी सीट जीत जाएंगे। ये क्या चल रहा है भारत में, ये कैसे मालूम हो जाता है इन लोगों को कि कौन सी सीट जीतेंगे कौन सी नहीं जीतेंगे? और इतनी सीट आ जाएगी और जनता भी मुख दर्शक की तरह देख रही है। हम आपको अपने क्षेत्र की बात नहीं तो जनता क्या करे बताइए। जनता ने आपका कह रहे, जनता मुख दर्शक बनी है, ज्यादा लोगों का वोट ही नहीं है,
लोग वोट नहीं दे पाए हैं और रिजल्ट आ गया है। रोहित जी ये बहुत ही गलत, ये पूरा देश किस तरफ ले जाना चाहते हैं? केवल जीत जीत जीत, हम केवल जीत की राजनीति करेंगे, निर्माण की राजनीति नहीं कर सकते, आपस में भाईचारे की राजनीति नहीं कर सकते, एक दूसरे को गले लगाने की बात नहीं कर सकते, और ईद और मुहर्रम की हम लोग क्या बधाई और अफसोस नहीं कर सकते क्या? ये अभी भी जीत के नशे में है। आइए देश कहाँ आगे बढ़ रहा है, देश की बात करिए, विकास की बात करिए, आगे की बात करिए। वही चल रहा है साहब कि भारतीय जनता पार्टी के इतने संगठन, अरे आप जीत गए हैं, कैसे जीते हैं ये सारा विपक्ष? कुछ राफेल के बारे में बताइए रोहित जी। संजय जी, अब मैं, अगर आपने अपनी बात पूरी कर ली हो तो हम डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपसे एक गुजारिश है, जब हम आपके पास आएंगे आप तभी अपनी बात रखिएगा, बाकी लोगों को बात आगे बढ़े, डिबेट आगे बढ़े, मेरा पूरा सहयोग है, डिबेट आगे बढ़े, लेकिन मुझे ये साइलेंट कर दीजिए, हार जीत की बात नहीं, आज कानून व्यवस्था आप देख रहे हैं, आप कानून व्यवस्था देख रहे हैं, क्या स्थिति है सुल्तानपुर अमेठी में, क्या व्यवस्था है बाराबंकी में, वही 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 दारू के व्यापारी और वही नेताओं की हत्या हो रही, कहां है हमारा कानून व्यवस्था? ठीक है, मुझे बताइए। चलिए अब संजय कृष्ण जी, अब आप रुकिए और अगर आप कहेंगे तो मैं अपने पीसीआर से कहूंगा कि इनकी आवाज डाउन कर दी जाए, लेकिन हमने तो बिल्कुल, आपने सही कहा, कानून व्यवस्था की स्थिति भी देखनी चाहिए और कांग्रेस को जो चुनाव परिणाम आए उसकी टैली भी देखनी चाहिए, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी है और जाहिर सी बात है लोकतंत्र में चर्चा तो होगी ही होगी जब इस तरह के परिणाम सामने आएंगे। विजय जी मैं चाहूंगा अब आप अपनी बात पूरी करें, संजय कृष्ण जी की बात हमने पूरी सुन ली, आप अपनी बात पूरी कर ले ताकि हम डिबेट को आगे बढ़ाएं। जी विजय जी आगे बोलिए। देखिए रोहित जी, अमित शाह के पहले जो भारतीय जनता पार्टी थी उसमें कार्यकर्ताओं को लेके इतना मोबिलाइजेशन नहीं होता था, इतने कार्यक्रम नहीं होते थे, यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 9 लोकसभा सीटें बड़ी मुश्किल से जीतती थी और विधानसभा में 52 सीटें 48 सीटें बड़ी मुश्किल से जीत पाती थी, वो भी जब इनके मजबूत जो कैंडिडेट होते थे अपने बलबूते और बाकी जो इनकी सांगठनिक संरचना है थोड़ा बहुत उससे मदद मिलती थी, बाकी वो अपने बलबूते जीतते थे, और जो 9 लोकसभा जीतते थे 2004 में 2009 में वो सब बड़े चेहरे हुआ करते थे। लेकिन संगठन को जिस तरीके से मोबिलाइज किया जब अमित शाह उत्तर प्रदेश के महासचिव और प्रभारी थे, भारतीय जनता पार्टी के महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी, तो उन्होंने पूरी जो व्यूह रचना की वो उन्होंने एक नया इफेक्ट क्रिएट किया, हम उसे अमित शाह इफेक्ट कर सकते हैं खासतौर पर संगठन को लेकर। और 2014 आप देखिए, 2017 में जब ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी करेगा, लेकिन बहुत बुरी तरह से फ्लॉप होता है, कांग्रेस को 7 सीटें मिलती हैं और समाजवादी पार्टी को 47 सीटें मिलती हैं, तब जबकि समाजवादी पार्टी ने जितने टोटके होते हैं चुनाव जीतने के उन्होंने अजमा लिए थे। बीएसपी को देखिए, उनको केवल 19 सीटें विधानसभा में मिलती हैं और बहुत ही मतलब दिक्कत हुई इन दलों को, बावजूद इसके इन्होंने गठबंधन कर लिया। अब 3 दलों का जो गठबंधन था, 11 सीटों पे चारों दलों का गठबंधन था, और जो जिन 11 सीटों पे चारों दलों के गठबंधन थे उसमें डिंपल हार जाती, उसमें राहुल गांधी चुनाव हार जाते, गठबंधन करने में क्या बुराई है? केंद्र सरकार के काम भी है और साथ में संगठन को लेके जो गतिविधियां है उनका ये असर है, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो जो संगठन की इनकी व्यूहरचना है ये इसमें ज्यादा दूसरी पार्टियों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ट्विटर से ही चुनाव नहीं जीता जा सकता, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव नहीं जीता जा सकता, सिर्फ वोटों का अर्थमेटिक बना के चुनाव आप नहीं जीत सकते, क्योंकि राजनीति में 2+2 न सपा बसपा में हुआ और न बसपा सपा आरएलडी में हुआ, बड़े आदर के साथ 2+2 की जो राजनीति करना चाहते थे वो सारे पुराने जो अवधारणाएं थी, ठीक है, जो 20 साल 25 साल से अवधारणाएं राजनीति में जमी हुई थी वो सब ब्रेक हो गई और एक नए दौर की राजनीति में पहुंच गए। मेरे कई साथी हैं जो हम लोग स्टूडेंट लाइफ में, हम कांग्रेस में प्रवक्ता नहीं हूं बीजेपी का, मैं जर्नलिस्ट हूं संजय जी, मैं जर्नलिस्ट हूं, आप कृपा करके कम बोलिए और डिबेट रोहित जी आगे बढ़ा रहे हैं उसको मौका दीजिए, आप सुनिए भी, आप ना सुनने की वजह से गर्बाचोव ने पूरे रूस को बर्बाद कर दिया, सोवियत संघ बिखर गया, आप भी सुनना नहीं चाहते हैं, आप सुनेंगे तो कुछ सीखेंगे, लेकिन अगर आप सीखेंगे नहीं तो सिर्फ अगर इस मुगालते में रहेंगे कि आप बहुत जानकार हैं, तो मुझे लगता है कि आगे भी आपकी दिन बहुत अच्छे आने वाले नहीं है। रोहित जी बिल्कुल बिल्कुल विजय जी, आपने विस्तार से बताया और साथ ही साथ दिनेश पाठक जी ने भी विस्तार से बताया, मुझे सिर्फ ये लग रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको रक्षा कर रहे हैं, आप
आप पत्रकारिता की तरह बात करिए ना, दोनों तरफ करिए। पत्रकारिता ये होती है कि जो दोनों तरफ देखता है। बिल्कुल, हम दोनों तरफ देख रहे हैं। हमें मत सिखाइए संजय जी, आप पत्रकारिता क्या होती है। कृष्ण सुनिए, हम लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से राहुल गांधी कह रहे मैं इस्तीफा दे दूंगा, पार्टी के नेता कह रहे नहीं साहब इस्तीफा मत दीजिए। बातों का मौका भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को दीजिए। नहीं, बीजेपी की प्रवक्ता बैठी है। नहीं नहीं नहीं, आप पत्रकारिता मत सिखाएं संजय जी पत्रकारिता मत सिखाएं साहब। हम आपको बता रहे हैं कि आपकी स्थिति क्या है। अगर आप देखने के लिए तैयार नहीं है तो आप डिबेट में आने ना आने के लिए स्वतंत्र है दोनों तरीके से। लेकिन आप लोग साहस स्वीकार करता हूँ। नहीं, लेकिन इसमें कोई बात नहीं है। सिर्फ चर्चा इस बात की भी होनी चाहिए कि क्या कारण है। किसी भी राष्ट्रीय दल का अध्यक्ष पहले से बता देता है कि मैं इतनी सीट जीतूंगा। हमारे कांग्रेस पार्टी या कोई भी राष्ट्रीय दल ने इसके पहले जवाब आप दे दीजिए। बीजेपी की प्रवक्ता आपको जवाब दे देंगी साहब। हमारे पास आपके इन सवालों के जवाब नहीं है। हालांकि हमारे पास बहुत सवाल होते हैं, बहुत जवाब होते हैं, लेकिन आपने ऐसा कालजयी सवाल आपने पूछ लिया है कि मुझे नहीं लगता कि हमारे प्रदेश के तमाम वरिष्ठ पत्रकारों के पास आपके इस काल जो इस सवाल का जवाब होगा सब। अरे जाहिर सी बात है, कोई चुनाव लड़ रहा है, चुनाव प्रबंधन से लड़ रहा है, तो वो बताएगा कि हमारा आंकड़ा ये हो सकता है। मैं इनके बातों का जवाब देना चाहती हूँ। आप मुझे एक बात बता दीजिए, डिबेट की गंभीरता को बना के रखिए। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी अपने कार्यकर्ता से काम लिया, मैं एक बार बताना चाहती हूँ। किसी नेता ने चुनाव में काम किया, कॉलेज हो, सिर्फ वो ये दो तरह के विद्यार्थी पढ़ते हैं, एक टॉपर होते हैं और एक बैकबेंचर होते हैं। तो जो टॉपर होते हैं पांच एक साल पूरा इम्तिहान की तैयारी करते हैं, सजग रहते हैं, पढ़ते हैं। जो बैकबेंचर होते हैं अंतिम समय में थोड़ा बहुत पढ़ाई करते हैं। जब जो टॉपर होता है वो कॉन्फिडेंट होता है कि मैं टॉप करूंगा, मुझे इतना प्रतिशत मार्क्स आएगा। लेकिन जो बैकबेंचर होते हैं फेल होते हैं तो आके घर में कहते हैं कि मेरी टीचर ने मेरे मार्क्स काट दिए, मेरे प्रिंसिपल ने पक्षपातपूर्ण किया या मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तो आज विपक्ष का वही हाल है कि ईवीएम खराब हो गया, इन्होंने पहले क्यों बता दिया। जो पांच साल मेहनत करेगा वो पहले नहीं बताएगा तो क्या बाद में बताएगा? आप बताओगे? आप तो समीक्षा भी नहीं कर रहे हो। आपके तो प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष इस्तीफा का दौर और मानमनोवर का दौर चल रहा है। आप देखिए तो कहां गलत थे कहां सही थे। सीजीआई से लेकर हमने गलत किया, ये अगर आप बोलेंगे तो आप जनादेश का अपमान करेंगे। सबको हैंग कर रखा है, आपने क्या बना दिया है इस देश का। आप कृपया करके देश को आगे बैठ जाएं। जितनी गिनती हुई कहीं भी एक गड़बड़ी नहीं मिली। यहाँ बैठ के कुछ भी बोलेंगे ऐसा कैसे चलेगा रोहित जी? हार गया हूँ। जितनी वीवीपैट गिनी गई सारे वीवीपैट एग्जैक्ट मिले, इनके बूथ एजेंट वहाँ मौजूद थे। अब यहाँ आज आके ये कुछ भी बोलेंगे तो मुझे लगता है इनको बिल्कुल म्यूट कर दीजिए। बिल्कुल बहरहाल एक बार फिर से अभी हमें ब्रेक के लिए रुकना, लेकिन उससे पहले एक प्रतिक्रिया अनुभव से हम लेंगे। अनुभव, मैं चाहूंगा अपने मंथन के दौर की बात आप बता रहे हैं। आपने बताया अखिलेश यादव का मंथन, भारतीय जनता पार्टी का आगे का मंथन, बहन जी की क्या स्थिति है जो 2017 में जिन्होंने नारा दिया था, जो 2017 के चुनाव हो रहे थे तो मुझे याद है बीएसपी का एक नारा था कि बहन जी आने वाली है। तो ये तब से ये नारा चल रहा है कि बहन जी आने वाली है लेकिन अभी तक नहीं आई, और क्या कुछ चल रहा है बसपा के खेमे में ये भी जानना जरूरी है। आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे सर आपसे सवाल नहीं पूछ रहे, मैं कहूंगा कि इनका फेडर डाउन किया जाए। अनुभव आप अपनी बात पूरी करें। सारे ये अकेले डिबेट में बोलेंगे, बाकी सब चुप जी। इस चुनाव में अगर बीजेपी को 64 सीटें मिली हैं तो 10 सीटें बीएसपी को मिली है, और सेकेंड नंबर की गेनर पार्टी है। जीरो सीटें थी 2014 में, और 2019 में देखिए 10 सीटें मिली हैं बीएसपी को। तो कहीं ना कहीं मायावती तो इससे इस नतीजों से काफ़ी खुश होंगी, क्योंकि जो गठबंधन उन्होंने किया उसमें फ़ायदा उन्हीं का होता दिख रहा है। अखिलेश यादव को पांच ही सीट मिली, 2014 में भी पांच मिली थी, 2019 में भी पांच ही सीट पे वो रह गए। इस बार अंतर ये रहा, कन्नौज से डिंपल यादव हार गई, बदायूं से धर्मेंद्र यादव हार गए, फिरोजाबाद से अक्षय यादव हार गए। तो परिवार के तो तीन लोग हार ही गए। मायावती को 10 सीटें मिल गई और वो उत्तर प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी हो गई लोकसभा में। बहन जी कहां है अभी, हम ये भी जानना चाहेंगे। ईवीएम को लेकर बहुत बात कह रही थी जी, और वहां पर बीएसपी में क्या कोई बैठकों का दौर चल रहा है जिस दिन, या मोनोलॉग जारी है बीएसपी में? देखिए बीएसपी
देखिए बीएसपी में कोई बैठकों का दौर नहीं जारी है। जिस दिन नतीजा आया मायावती ने एक न्यूज एजेंसी को बुलाया और बाइट दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नतीजों से दुखी हूं और जो नतीजे को उम्मीद थी वो आए नहीं और उसके बाद वो लखनऊ से चली गई। तो फिलहाल यहाँ पर ना कोई बीएसपी का कार्यकर्ता आया पार्टी दफ्तर पर, ना ही कोई संगठन का बड़ा पदाधिकारी आया। और फिलहाल अभी स्थिति यही है कि बीएसपी के लोग अंदर खाने में तो बहुत ज्यादा उत्साहित है इन चुनाव के नतीजों से। जी बिल्कुल अनुभव, आपने पूरी तस्वीर बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। हाँ, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बाकी तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक के बाद भी प्रहार जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं प्रहार। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ विजय उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, दिनेश पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, इसके अलावा शबनम पांडे भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं और घनश्याम सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त वाराणसी से, समाजवादी चिंतक हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ संजय कृष्ण श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के महामंत्री हैं, उनसे भी हम बात कर रहे हैं। बहरहाल हमने बात की सबसे पहले कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी ने अपना अगला मिशन तय कर दिया है। वहीं अगर हम समाजवादी पार्टी की बात की, हमने कांग्रेस की बात की, बीएसपी की बात की, तो सबकी स्थिति की अगर हमने बात की, एक बार फिर मैं आपके पास आऊंगा दिनेश जी, क्या कहना आपका। हमने अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें खासतौर पर, जिस तरह से वहां पर मंथन का दौर चल रहा है, लेकिन जिस तरह के जो परिणाम इस बार आए, परिवारवाद एक तरफ, जातिवाद एक तरफ, यानी एक तरफा मैंडेट जो मिला, तो कहीं ना कहीं जिस समाजवाद की बात ये सपा कर रही है, अखिलेश यादव की सपा, वो समाजवाद मुलायम सिंह यादव के समाजवाद से अलग है और लोहिया का समाजवाद तो अलग था ही, जाहिर सी बात है। क्या कहना आपका? नहीं, देखिए मंथन तो अच्छी बात है, मंथन करना चाहिए, मंथन करके करेंगे तभी उससे कुछ निकलेगा, रस निकलेगा, फिर उससे बात आगे बढ़ेगी। लेकिन अब लोहिया या जयप्रकाश नारायण का समाजवाद नहीं है, जयप्रकाश नारायण को याद करने की जरूरत अखिलेश जी और उनकी पार्टी के सभी लोगों की, बल्कि भारतीय राजनीति के जितने भी धुरंधर हैं उन सबको जयप्रकाश नारायण को याद करने का समय है। ये खासतौर से विपक्ष को, जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई और जयप्रकाश नारायण अचानक बिस्तर से उठते हैं और बहुत कम समय में पूरे देश में एक ऐसा तूफान खड़ा होता है कि जहां इंदिरा गांधी जैसी बड़ी शख्सियत चुनाव हार जाती है, जयप्रकाश नारायण एक बहुत बड़े कद के नेता के रूप में उभर के आते हैं। मुलायम सिंह यादव को नहीं भूलना चाहिए हमें, मुलायम सिंह यादव उसी प्रजाति के नेता रहे हैं जिस प्रजाति के जयप्रकाश नारायण जी रहे हैं। मुलायम सिंह यादव ने लोहिया को फॉलो किया हो न किया हो, लेकिन लोहिया की जो क्या कहते हैं उनकी आत्मा को लेके वो लोटे में बराबर लेके चले हैं जी। और मुलायम सिंह यादव अपने कार्यकर्ताओं को जो एक्टिव करने की कला है वो उनमें जो है वो अखिलेश जी अभी मेरी समझ से नहीं पकड़ पाए हैं। और जब तक कार्यकर्ता साहब जमीन पर नहीं उतरेगा, कार्यकर्ता आम आदमियों से नहीं जुड़ेगा, कार्यकर्ता भारत के गाँव में नहीं घुसेगा, तब तक आप बड़ी सफलता की उम्मीद पार्टी के स्तर पर नहीं कर सकते हैं। अखिलेश जी के संदर्भ में उनकी वाइफ चुनाव हार गई हैं, अक्षय यादव फिरोजाबाद से जो अपनी घर की सीट कही जाती है वो चुनाव हार गए, हो सकता है वहाँ शिवपाल जी अगर नहीं लड़ते तो हो सकता है अक्षय जीत जाते जी, लेकिन शिवपाल जी ने भी ठीक ठीक डैमेज किया। शिवपाल जी अगर बाहर निकले दूसरी पार्टी बनाई तो ये भी अखिलेश का फेलियर है, चाहे फाल्स ईगो के चक्कर में है तो चाचा ही बिल्कुल। तो संगठन चलाने के लिए जो जरूरी चीजें हैं उस पर अगर काम करना है तो हमें लीडरशिप से अपने सीखना होगा और इसके हमारे देश में अनेक उदाहरण हैं, विपक्ष में भी और मौजूदा सत्ता पक्ष में भी अनेक उदाहरण हैं जहां से हम सीख सकते हैं। और भारतीय राजनीति में इस समय बहुत जरूरत है, क्योंकि इस समय विपक्ष की जरूरत है, हमारे पास विपक्ष नहीं है, जो विपक्ष है वो बिखरा हुआ विपक्ष है। कांग्रेस से एक उम्मीद थी कि वो विपक्ष के रूप में सामने आएगा, लेकिन दुर्भाग्य से वो नहीं आ पाया ड्यू टू डिसकनेक्शन, पब्लिक से नहीं जोड़ पाई कांग्रेस अपने को, इसलिए वो नहीं जुड़ पाए, इसलिए उनको वो सीटें नहीं मिल पाई कि वो पर्याप्त विपक्ष की भूमिका अदा कर सकें। 2014 में भी वो 2014 से 19 तक अगर कांग्रेस ने अपना रोल प्ले किया होता विपक्ष का तो शायद वो और अच्छा कर पाते, क्योंकि जमीन पर उन्होंने कुछ नहीं किया, बंद कमरों में एयर कंडीशन कमरों से नहीं निकले, उनके कार्यकर्ता सड़कों पर धरना प्रदर्शन में नहीं शामिल हुए, केवल प्रेस नोट जारी करने तक, बयान छपवाने तक रहे, तो उसका रिजल्ट आज उनके सामने है। इससे कोई कांग्रेस का साथी, सपा का साथी, बसपा का साथी सहमत हो असहमत हो ये उसकी अपनी विचारधारा हो सकती है, लेकिन जो सच है वो सच है कि कांग्रेस पूरा पूरा विपक्ष
पूरे 5 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी खिलाफ अपनी भूमिका अदा नहीं कर पाया, खासतौर से उत्तर भारत में। बिल्कुल विजय जी, यही बात जिस तरह से दिनेश जी ने कही, क्या आपको क्या लगता है कि जिस राष्ट्रवाद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी जनता को समझा दिया, अखिलेश यादव या पूरी समाजवादी पार्टी वो समाजवाद जिस समाजवाद के लिए कहा जाएगी, पूरे प्रदेश की लैंड फर्टाइल है अगर उस लिहाज से देखा जाए, पॉलिटिकल लिहाज से देखा जाए, लेकिन वो समाजवाद तो नहीं बता पाए जनता को, क्या वजह, आप क्या वजह मानते हैं? देखिए रोहित जी, दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में दो पार्टियां, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इन्होंने अपने वोट बैंक, जो उनकी कास्ट का वोट बैंक था, उसको ज़्यादा महत्व दिया पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन की अपेक्षा। धीरे धीरे पार्टी ऑर्गेनाइजेशन इनका कमज़ोर होता गया और जो इनका वोट बैंक की राजनीति थी वो बहुत ज़्यादा हावी हो गई। आप देखिए, जिले में अगर एक ही जाति के, ज़्यादातर जिलों में एक ही जाति के जिलाध्यक्ष हों, या प्रदेश में जिन नेताओं को ज़्यादा महत्व मिल रहा है नेतृत्व से, वो सब एक ही जाति के हों, तो जनता जो है वो सवाल खड़े करने लगती है, क्योंकि सिर्फ एक जाति से आप नहीं जीत सकते, ये जातियों का समुच्चय है और जातियों में भी जातियां हैं उत्तर प्रदेश में जी। यहाँ कहा जाता है कि क्या पाणे में भी पाणे हैं, तो यहाँ यादवों में भी यादव हैं और पांडे में भी पांडे हैं। इस सच को नेताओं को समझना होगा कि जातियों में, चाहे मुस्लिम समाज हो चाहे हिंदू समाज हो, बहुत ज़्यादा गहराई पर जाने में ढेर सारे उसमें फ्रेगमेंटेशन दिखते हैं कि सब अलग अलग स्प्लिंटर्स उसमें ग्रुप हैं। जब आपने ऑर्गेनाइजेशन को महत्व देना कम किया, यही काम मायावती जी ने किया, उसका असर ये हुआ कि 2009 के लोकसभा चुनाव में, 2012 के विधानसभा चुनाव में, 2014 के लोकसभा चुनाव में, 2017 के विधानसभा चुनाव में जनता ने इनके जातिवाद को खारिज कर दिया जी। क्योंकि सिर्फ ये दलितों की पार्टी नहीं रही, सिर्फ ये जाटवों की पार्टी रह गई, जो मायावती की खुद अपनी जाति है। ये कोई भी संगठन बनाते थे, कोई भी कमेटी बनाते थे, उसमें अनिवार्य रूप से 2 जाटो होते थे, लेकिन न कोरी होता था, न पासी होता था, न धानुक होता था, न वाल्मीकि होता, जो 70-75 जातियां हैं उनका प्रतिनिधित्व उसमें नहीं होता था। ठीक यही काम अखिलेश यादव जी ने किया, पिता से पार्टी तो ले ली, लेकिन वो फ्रेम और वो स्ट्रक्चर उन्होंने पिता नहीं लिया, जो पिताजी ने बना के रखा था। गैलेक्सी ऑफ लीडर होते थे समाजवादी पार्टी में, आप याद करिए 2002 के चुनाव में किस तरीके से अमिताभ बच्चन को लेके, और किस तरीके से समाजवादी नेताओं, मोहन सिंह थे उसमें, जनेश्वर मिश्रा थे उसमें, भगवती सिंह थे उसमें, अशोक वाजपेयी थे उसमें, न जाने कितने नेता उसमें थे, गैलेक्सी ऑफ लीडर हुआ करती थी। और अखिलेश ने एक एक करके सबको निशाने पे लिया और एक एक को निपटाया, और हालत ये हो गई कि आज अशोक वाजपेयी, जो समाजवादी चिंतक हैं, लीडर हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं। भगवती सिंह बुजुर्ग हो गए, उनका कोई विकल्प पैदा नहीं हुआ, मोहन सिंह नहीं रहे, जनेश्वर मिश्रा नहीं रहे, उनका कोई विकल्प नहीं रहा, और जो चमकदार सितारे समाजवादी पार्टी के थे उनकी जगह पे कौन आया? उनकी जगह पे आ गए 7-8 ऐसे लोग जो अपने बूथ पर भी पार्टी को वोट नहीं दिला पाते हैं। और इनकी हैसियत क्या है? इनकी हैसियत सिर्फ अखिलेश यादव का उनके प्रति प्यार है, और उस प्यार का वो दुरुपयोग करते हैं, जनता के बीच नहीं जाते, सिर्फ एक घेरा उन्होंने बना लिया। सिर्फ जिसको एक किताब लिखी थी कांशीराम जी ने, चम्मच युग, तो वो चम्मच युग में ही जी रहे हैं, तो चम्मच युग से बाहर निकलेंगे तब उनको सच्चाई पता लगेगी। दूसरी बात, आप देखिए गठबंधन हुआ, गठबंधन में 3 दल आए लेकिन कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं आया, 3 के 11 सीटों पे 4 दल थे और कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं, जनता के लिए कोई एजेंडा नहीं, सिर्फ एक बात कि हमें मोदी को हटाना है, मोदी बहुत खराब आदमी है। लेकिन जो मोदी ने गांव में काम किया, गांव का आदमी कह रहा है कि साहब हम जात पे वोट दें या काम पे वोट दें, उसने बहस की, बहस में ज्यादातर सीटों पे लोगों को लगा कि काम पे वोट देना चाहिए, लोगों ने काम पे वोट दिया, और जहां पे बीजेपी हारी भी है वहां भी बीजेपी बहुत मार्जिन से नहीं हारी है। तो इस बात को देखिए, बसपा आगे जाएगी और सपा पीछे जाएगी, ये तो हम लोगों को भी पता था, शायद श्रीवास्तव जी इससे बहुत नाराज होंगे, लेकिन एक पत्रकार के नाते हम लोग और समाजवादी पार्टी के तमाम नेता जब भी बात होती थी वो कहते थे कि सारी अच्छी सीटें मायावती को दे दी गई हैं, उन्होंने अपने चॉइस से चुन लिया, और जो खराब सीटें 37 बची हैं वो सपा के पास है। यहां तो जीतने की गुंजाइश वैसे कम थी, लेकिन जो 3 चुनाव लोकसभा के बाई इलेक्शन हुए थे उसका जो भ्रम था कि ये लोकसभा के जनरल इलेक्शन में भी चलेगा, उस भ्रम में ये डूबे रहे और इन्हें लगा 2+2=4 हो जाएगा, लेकिन न 4 हुआ और न 2 ही हो पाया, बल्कि 1 और 1.5 के बीच में आ गया मामला। बिल्कुल, तो ये जो स्थिति है किसी राजनेता को फ्यूचर के प्रस्पेक्टिव को देखने की, वो नहीं है। तो अगर आप फ्यूचर प्रस्पेक्टिव को नहीं समझेंगे, ये सोशल मीडिया का जमाना है, गांव का एक मजदूर भी जिसको जो हैंडपंप के लिए विधायक के दरवाजे पे दस्तक देता रहता और नहीं मिलता,
उसको भी पता है कि सरकारी योजनाएं कैसे क्या हैं और किस तरीके से उनकी कार्रवाई हो रही है, तो वो बहुत ज्यादा अवेयर है। भले 35% लोग निरक्षर हैं, लेकिन वो 35% के पास भी स्मार्टफोन है और बहुत अवेयर हैं। जी, ये तमाम वो कारण थे, तमाम वजह थी। हमारे साथ घनश्याम सिंह भी जुड़े हुए हैं। घनश्याम जी, क्या कहना है आपको? अभी हमने बड़े विस्तार से बात की, हमारे पैनलिस्ट दोनों वरिष्ठ पत्रकारों ने अपनी अपनी बात कही। क्या आपको लग रहा है क्यों समाजवाद को जनता ने नकार दिया एक तरह से? वो समाजवाद जो अखिलेश यादव की सपा लेकर गई, लेकिन जिस राष्ट्रवाद की बात मोदी ने की, जिस विकास की बात मोदी ने की, उसको जनता ने हाथों हाथ लिया। क्या कहना आपका, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होने के लिए तमाम कारण रहे जी। राष्ट्र में एक जो राजनीति एक नई उपज आई है, विगत हम 51 वर्षीय इंसान हैं, हमारा जो अनुभव है समाजवाद के प्रति जी, एक लंबी यात्रा के बाद यह महसूस होता है कि हम किस दिशा की तरफ ले जा रहे हैं समाजवाद को, या राष्ट्र तथाकथित राष्ट्रवाद जी, उसमें मैं किसी दल का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि राष्ट्रवाद किसी का व्यक्तिगत नहीं है, यह संपूर्ण भारत के भारतीय नागरिकों का है, संपूर्ण समाज का यह समाजवाद होता है और राष्ट्रवाद। लेकिन भावनाएं किन लोगों की कितनी प्रतिशत किस तरफ चली गई, किन कारणों से चली गई, उस पर क्या क्या मुद्दे हावी रहे, हम तो यह समझते हैं कि देश का दुर्भाग्य है राष्ट्र का हमारा चुनाव होता है, हम चोर और चौकीदार पर चुनाव लड़ते हैं जी। न मैं किसी सत्ता पक्ष की बात कर रहा हूँ, न विपक्ष की बात कर रहा हूँ जी। तो नहीं, जिस समाजवाद के नारे को 10 साल पहले सपा अखिलेश यादव की सपा ने आगे बढ़ाया, कि आपको लगता है वो असल समाजवाद है? बेसिकली अगर आप समाजवाद की परिभाषा हमारी नजर में समझना चाहते हैं, तो सपा बसपा का गठबंधन जो हुआ है वह समाजवाद का अद्भुत उदाहरण है जी। लेकिन इस अद्भुत उदाहरण को जनता ने क्यों नकारा, हम ये जानना चाह रहे हैं इस चर्चा के जरिए। नकारना आप इसे नहीं कह सकते, लगभग हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, मैक्सिमम सीटों पर गठबंधन दूसरे स्थान पर रही है जी, तो पीछे हम कहाँ हैं? वही थी ही, वोट परसेंट घट गया और जी। जो तो वो सारी चीजें अब जो सामने है उसको सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए जी। आगे हमें मेहनत करना है जी, काम करना है। हम एक सवाल में आपसे और लूंगा, क्योंकि कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ हैं और बड़ी मुश्किल से बड़ी देर से वो चुप बैठे हैं, उनसे भी हमें सवाल लेना है एक। लेकिन घनश्याम जी, सवाल ये है हमारा कि जो सवाल ये था कि ये जिस तरह से परिवारवाद हावी हुआ समाजवादी पार्टी में, तो आपको नहीं लगता कि जो समाजवाद की मूल अवधारणा थी वो तो कब से तहस नहस हो गई सपा में? आप नहीं सपा समझा पाए लोगों को समाजवाद का असली अर्थ क्या है, नहीं समझा पाई जनता को। मोदी ने समझा दिया राष्ट्रवाद क्या है, मोदी ने एक व्यक्ति को जोड़ दिया कि हाँ राष्ट्रवाद क्या है। इस मुद्दे पर परिवारवाद की जो बात आप कह रहे हैं, समाजवाद की तरफ आप देख रहे हैं, लेकिन क्या जो राष्ट्रवादी हैं क्या उनके यहाँ परिवारवाद नहीं है जी? हम नाम लेना नहीं उचित समझते, अभी भी कुछ निर्णय आए हैं, अभी एक दल के मुखिया ने अपने ही शायद सभा में कहा कि फलाने टिकट लेना लेने देने के लिए हमें धमकाया कि हम इस्तीफा दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके की हर दल में लगभग स्थितियां हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और अगर कोई आदमी उसका जीवनचर्या है वो अगर राजनीति और समाज सेवा करना चाहता है तो आज की परिस्थिति में ठीक है स्वभावता आज ठीक है सर चल रहा है बिल्कुल ठीक है। अगर आपने जिस तरह की बात की जो परिवारवाद को आपने कहा कि ये बिल्कुल परिवारवाद नहीं, अगर वो स्थिति है तो फिर कांग्रेस में भी परिवारवाद नहीं है, फिर तो यही कहना पड़ेगा हमें, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता संजय कृष्ण हमारे साथ लगातार बने हुए।
जी संजय जी आपका एक तो शुक्रिया, बड़ी देर से आपने सबको बड़े ध्यान से आपने सुना, लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि अब कांग्रेस के आगे का रोड मैप आखिरकार क्या है कांग्रेस का? अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, कल भी आप एक बैठक होने वाली है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस का आम जनता से संवाद टूटा, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा, और वो संवाद बीजेपी कायम करने में सफल रही। जी संजय जी, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है संजय जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, और संभवतः इसीलिए वो बड़ी देर से हमारी बात सुन भी रहे होंगे, चुप थे। शबनम पांडे में आपसे, आपने सबको सुना, आपने हमारे साथ, घनश्याम सिंह जी भी हमारे साथ बने हुए थे, उन्होंने अपनी बात कही, तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये कोई समाजवाद की स्थिति नहीं है, समाजवाद अभी भी मजबूत है, उनका समाजवाद जो हमने सपा के समाजवाद की चर्चा की। आपका क्या कहना है कि आपको लगता है आपने भले भविष्य की तैयारी कर ली, लेकिन जो बात आप जोर देकर कहते हैं कि जातियों का बंधन तोड़ दिया, क्या वो बंधन टूट गया है सचमुच? क्योंकि घनश्याम जी का मानना है कि नहीं, वैसी स्थिति नहीं दिख रही है। नहीं, घनश्याम जी अपने तरीके से परिस्थिति की विवेचना कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि समाजवाद को लेके तो सपा ने अपना अपनी पार्टी बनाई, पर पार्टी कहीं भी समाजवाद पे चलती नहीं है। लोहिया जी का नाम तो लिया, पर उनके आदर्शों पे कभी नहीं चली। कहीं ना कहीं परिवारवाद और परिवार तंत्र के जकड़न में जकड़ी रही, और किसी एक एक जाति विशेष को लेके ये छत्रक पार्टी अपनी पार्टियों को चलाती रही। और कहीं ना कहीं कुछ इलेक्शंस में ऐसा रहा कि ये ठेकेदार बने रहे उस जाति विशेष को, उन जाति विशेषों ने भ्रम में आके इनका साथ भी दिया। लेकिन जब मोदी जी की जन कल्याणकारी योजना जमीन पर पहुंची, तो कहीं ना कहीं, और इस 5 साल के अंतराल में जब काम देखा, पहले तो उम्मीद पर उन्होंने 2014 में जनता ने दिया था, क्योंकि जनता बहुत त्रस्त हो गई थी, ये चाहे प्रदेश में छत्रक पार्टियां रही हों या केंद्र में कांग्रेस पार्टी रही, घोटाले भ्रष्टाचार से त्रस्त हो गई थी, और उनको मोदी जी में एक आज दिखी, उम्मीद दिखी, उन्होंने 2014 में उनको जिताया। और जीतने के बाद जिस तरीके से योजनाएं बगैर जाति देखे, बगैर क्षेत्र का भेदभाव देखे, बगैर धर्म का भेदभाव देखे जब जमीन पे उतरी, तो उसने कहीं ना कहीं ये धर्म जाति के बंधन को तोड़ा, लोगों को की आंखों को खोला कि जो धर्म निरपेक्ष बोलकर आज तक मुस्लिम तुष्टिकरण करते थे या दलितों को लामबंद करते थे या पिछड़ों को अगड़ों को करते थे, पर मोदी जी ने सही मायने में देश की धर्म निरपेक्षता को बरकरार रखा। अगर आवाज एक मुसलमान के घर गया तो एक दलित के घर भी गया, पिछड़े के घर भी गया और अगड़े के घर भी गया। तो जब इस तरीके का माहौल देश के जमीन पर बना, और मोदी जी शुरू से मन की बात करके अपने देशवासियों से कनेक्ट रहे और हर तबके के लोगों से कनेक्ट रहे, और उसी जगह पे संगठन में होते हुए अमित शाह जी ने अपनी रणनीति के तहत बूथ लेवल से भी नीचे पन्ना प्रमुख बनाकर इतने माइक्रो लेवल तक संगठन में काम किया, और उस संगठन ने और सरकार ने एक साथ मिलकर सरकार की जो योजनाएं थी, संगठन ने उस योजनाओं को कहां तक पहुंचा, कैसे पहुंचा, इस पर भी अपना निरीक्षण किया राजनीतिक कार्यों के साथ साथ। तो कहीं ना कहीं जो लाभार्थी हुए हैं उनको ना तो इनका न्याय मिलेगा का 75,000 लुभा पाया, ना उनका समाजवादी चिंतन लुभा पाया, और ना ये दलितों की बेटी बोलने वाली मायावती जी लुभा पाई। कहीं ना कहीं मोदी जी हिट रहे, और इसीलिए कहते हैं हम लोग मोदी हैं तो मुमकिन है। बताइए संजय कृष्ण श्रीवास्तव साहब, इन्होंने तो बता दिया कि किस तरह से मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, और गिनाया भी इन्होंने। सर बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, हम तो मोदी जी को बधाई देते हैं, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय माननीय अमित शाह जी को भी मैं बधाई देता हूं, जिस तरह उनका मैनेजमेंट चुनाव में इतना अच्छा काम करता है कि सारा विपक्ष तितिर बितिर हो जाता है। चुनाव लड़ने के पहले मुलायम सिंह जी में परिवार में झगड़ा हो जाता है, इतना अच्छा उनका चुनाव का मैनेजमेंट है कि चुनाव लड़ने के पहले लालू यादव जी के घर में झगड़ा हो जाता है। ये बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूँ। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, और आपके इस
इस बहुत ही लोकप्रिय चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई के साथ साथ मैं यही कहना चाहता हूं कि आइए 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 हम मिलकर विकास करें, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, ये भाई भाई, इस नीति पे चलें, देश को इस ओर ले चलें। तो ये बात आइए हम लोग उस पर बात करें। तो ये बात हम राहुल गांधी जी को कहिए कि वो इस नीति पर काम करें, सबका साथ सबका विकास। लेकिन आप ये बात अमित शाह को कह रहे हैं, यही दिक्कत कांग्रेस में है सर, क्योंकि आप लोग सही फीडबैक नहीं देते अपने नेताओं को। सर मेरी बात सुन लीजिए, एंड कैंड आप रोहित भैया मेरी एक बात नहीं, नहीं आप बात ठीक नहीं कर रहे साहब, नहीं गलत बात नहीं सुनेंगे। चुनाव मैं आप रोहित भैया मुझे बोलने का मौका दीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और हमारे देश की जनता भी उसको लगेगा कि एक संदेश है। अरे समाजवादी चिंतक घनश्याम जी बोलिए, आप बोलना चाह रहे हैं, घनश्याम जी बोलिए, मैं घनश्याम जी की बात सुन लेते हैं। मन से कहना चाहता हूँ देश, जी हाँ जी, अच्छा प्लीज प्लीज सुन लो एक बात यार, आज 5 साल पूर्व जो सरकार थी और लगभग जिसने 10 साल के अपने दौर गुजारे थे, उस समय के जो प्रधानमंत्री महोदय थे उन्होंने एक बयान दिया था, शायद आपको भी याद हो, कि भारत के प्राकृतिक संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये आपके रिकॉर्ड में हो सकता है, खोजिएगा तो मिलेगा। भारत के प्राकृतिक संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का होगा। जी हमारी समझ में यह नहीं आया, अगर वह उसमें अगर धर्मनिरपेक्षवाद था और समाजवाद था या राष्ट्रवाद था तो यह किस परिप्रेक्ष्य में यह भाषाएं बोली गई, या मुस्लिम समाज को उन्होंने क्या समझा, या वह हिंदू समाज के लिए क्या को क्या समझ रहे थे। आज उस धर्मनिरपेक्षवाद की परिभाषा हमें नहीं समझ में आई, उनकी बात तो उनकी बात। उसके बाद हमारे बड़े भाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी, इन्होंने एक बयान दिया, भारत दुनिया की कोई ताकत आरक्षण खत्म नहीं कर सकती जी, यह धोखा राष्ट्र के साथ है, यह धोखा समाज के साथ है, यह संपूर्ण समाज के लिए है जी। मैं दो राष्ट्रीय पार्टियों की बात कर रहा हूं। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं एक बार इनसे, फिर बाकी मेहमानों के पास भी जाना, वक्त कम है, मैं आपको माफी के साथ यहाँ रोक रहा हूँ क्योंकि संजय कृष्ण जी की बात पूरी होना बहुत जरूरी है। जहाँ तक मेरा जी प्लीज प्लीज मैं आपसे आग्रह करूँगा, जहाँ तक मेरा ध्यान है, मैं भी कांग्रेस में बहुत ही और समाज की सेवा में बड़ा समय दिया है, आज मेरी 52-53 साल उम्र हो गई है। मैं घनश्याम भैया से पूछना चाहता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है, हो सकता है वो सही कह रहे हो, हमारे कांग्रेस के किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह का बयान नहीं दिया होगा। और इसके आगे मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, चुनाव हो गया है, हम लोग चुनाव से बहुत आगे बढ़ गए हैं, ठीक है सर, और उन्होंने फिर देख दिया है कि साहब उत्तर प्रदेश में हम इतनी सीट जीतेंगे, हम सबको मिला के चले। और ये पूरी तरीके से जो ये भाई वह है ना, ये जानते हैं क्या स्थिति बनेगी, ये भाई वह क्यों पहुंची, हम ये ही जानने की कोशिश कर रहे थे। और वो धीरे धीरे जो जिस तरह की आप मुझसे पूछिए, मैं इसका जवाब देता हूँ, हमें लग गया पता सर, जवाब मैं इसका जवाब देता हूँ, कांग्रेस साहब, कांग्रेस पीछे रही, मीडिया की वजह से पीछे रही, कांग्रेस पीछे रही, हम अरे पैसा अरेंज नहीं कर पाए, हम चुनाव में हेलीकॉप्टर अरेंज, सारी चीजें साल भर पहले बुक हो जाती हैं, चुनाव का मैनेजमेंट, हम तो कभी सुनते थे कि शादी में अरेंजमेंट कुछ होता है, मैनेजमेंट होता है, चुनाव में भी बड़ा अच्छा मैनेजमेंट हो रहा है, हम लोग तो देश को लेकर। चलिए संजय जी, मैं चाहूंगा आपसे कि राहुल गांधी दिल्ली में आजकल मंथन कर रहे हैं, अगर आपको वक्त मिले तो जरूर जाइएगा, और अगर ऐसी शराब उनको देंगे और वो आपकी शराब मानेंगे तो कांग्रेस किस दिशा में आगे बढ़ेगी, ये तो खैर आप जाने, राहुल गांधी जाने, हम तो हमने आपको बीइंग ऑफिस बिरर ऑफ कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में महामंत्री एक बड़ा औहदा होता है, हमने आपको बिठाया, आपने अपनी बात पूरी की, मैं आपको रोकूंगा सर क्योंकि इतना वक्त नहीं है डिबेट में। दिनेश जी फाइनल कमेंट क्या कहना आपका, बहुत बड़ा मुद्दा है दिनेश जी, फाइनल कमेंट आपका उसके जी। कहना रोहित जी यही है कि किसी भी दल को, देश में विपक्ष की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिला, ये बात बिल्कुल सही है, उसका आदर होना चाहिए और आदर करना पड़ेगा हमें, उसके हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, लेकिन देश में एक मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए और हमारे सभी विपक्षी दलों के पास
मजबूत विपक्ष बनने के लिए, अपने को मजबूत विपक्ष के रूप में ही स्थापित करने के लिए कोई दूसरा चारा नहीं है कि वो जनता के पास जाएं, अपनी बात रखें, सरकार की कमजोर नीतियों का प्रचार करें, अच्छी नीतियों का प्रचार करेंगे इसकी संभावना ना के बराबर होती है, सरकार अपनी नीतियों का प्रचार प्रसार खुद करती है, लेकिन जो खराब फैसले हैं उनका विरोध संसद से लेकर सड़क तक होना चाहिए, यही लोकतंत्र की शान है, यही लोकतंत्र की पहचान है। रोहित जी बिल्कुल सही, विजय जी आपका फाइनल कमेंट क्या कहना है आपका? इधर तो संजय जी ने तो कहा कि हेलीकॉप्टर के टिकट बिक गए थे पहले, इसलिए तो थोड़ा चुनाव मैनेजमेंट नहीं कर पाए ये लोग, क्या कहना है आपका फाइनल कमेंट आपका? देखिए, नेताओं की क्रेडिबिलिटी जनता के बीच बेहतर हो और जनता को ये लगे कि ये लीडर हमारे लिए काम कर सकता है, इस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। और जिस नेता की टीम अच्छी होगी, जिस पार्टी में अच्छे लोग काम करेंगे और जनता के बीच ईमानदारी से जाएंगे, जनता उनको निश्चित तौर पर सिर पर बैठाएगी। लेकिन टिकट बेचने वाले और जातियों के पार्टी ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा जातीय समीकरण को महत्व देने वाले लोगों को जनता ने खारिज कर दिया। शायद भविष्य में ये प्रवृत्ति और ज़्यादा ख़त्म होगी और जनता ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने कैंडिडेट को चुनेगी। हाँ बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। विजय जी, दिनेश पाठक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शबनम पांडे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। घनश्याम सिंह जी, आपका भी शुक्रिया। और संजय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुमित के साथ कि बिल्कुल जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, आप उस दौर से बाहर निकले, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चिंतन और मंथन का दौर तो लगातार जारी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जनता से तमाम सियासी पार्टियों का जो सीधा संवाद होना चाहिए वो हमेशा कायम होना चाहिए, और मजबूत विपक्ष का होना भी देश के लोकतंत्र के लिए जरूरी है। तो बहरहाल आज प्रहार में इतना है, दीजिए इजाजत, नमस्कार।